BP sir, we have seen recent announcements on the Bharat Ratna to very, very distinguished people like Mr. Advani, Mr. Swaminathan, Mr. Charan Singh ji, and a lot of other people, distinguished people. How do you look at these announcements, and do you think that they were neglected or ignored earlier? Namin ji, is pad par rehte hue, जब मुझे इस बात की जानकारी मिली कि भारत के इन 5 सपूतों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो दिया जा सकता है भारत रत्न वो दिया गया, तो मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इन 5ों को देश और दुनिया भली भांति जानती है, इनको पूरी तरह से परखा हुआ है। चौधरी चरण सिंह जी, उनका पूरा जीवन किसान और गांव को समर्पित था, वो ईमानदारी के प्रतीक रहे। मुझे व्यक्ति से बहुत उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, पर 1977 में जब वो राजस्थान आए थे तो मैं जयपुर से चलकर श्री गंगानगर गया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आप देखिए, आज किसी भी मापदंड पर जांच कीजिए, ईमानदारी के प्रतीक, किसान के पीछे समर्पित, किसान जातियों के वो सर्वमान्य नेता रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे, चाहे देश के प्रधानमंत्री या गृहमंत्री रहे, उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके दिल में किसान अन्नदाता के प्रति जो लगाव था, और राजनीतिक क्षेत्र में स्पष्टवादिता के मामले में विचारों में पूरी तरह से एकाग्रता होना उनकी बहुत बड़ी पहचान थी। डटकर आपातकाल का काला खंड जो था, टटकर मुकाबला किया। अपने सिद्धांतों से वो कभी नहीं डगे। लोग उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, गरीब किसान के प्रति उनका समर्पण, ये उनकी पहचान है। चौधरी साहब के नजदीक कोई वो व्यक्ति नहीं आ सकता था जिसमें ये गुण नहीं हो। आप अंदाजा लगाइए, उस कालखंड में उनके जो शिष्य थे उन्होंने क्या महारत हासिल की। जब ऐसे व्यक्तित्व को आज के दिन सम्मानित किया जाता है तो मन में एक बड़ा भाव आता है कि अन्नदाता का सम्मान हुआ है। मेरी बात मानकर चलिए, आज देश में करोड़ों लोगों को बहुत अच्छी नींद आएगी। वो सोच रहे थे कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिला। कभी ऐसी कोई बड़ी मांग किसी ने नहीं उठाई, क्योंकि किसान के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए तो वो रत्न थे ही, पर जब आज सम्मान मिला है और भारत एक नई ऊंचाई की ओर छलांग लगा रहा है, आज का भारत दुनिया में प्रभावी है। आज के भारत की अर्थव्यवस्था, दुनिया के देशों में भारत की इज्जत सर्वोपरि है। ऐसे भारत में, ऐसे मौके पर, अमृत काल में, आजादी का अमृत उत्सव हमारी संविधान का भी इस वर्ष में है, ऐसे मामले में ऐसा निर्णय होना दिल को सुकून देता है, दिमाग को प्रभावित करता है और एक नए उत्साह का संचार करता है कि मैं उस देश का निवासी हूं जहां यह कदम उठाया गया है।